नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। यूपी में रविवार को भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर आयकर विभाग की टीम ने छापे मारे। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तंज कसा कि अनुपयोगी सरकार और कर क्या सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग मेरा और सपा के अन्य नेताओं के फोन टेप करवा रही है। सपा कार्यालय से जुड़े लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग ऐसे अधिकारी कर रहे हैं जो खुद को सत्ता के दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें एक अधिकारी मैनपुरी के भी हैं। समाजवादी सरकार बनने के बाद ऐसे अधिकारियों की खोज खबर ली जाएगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि कल से ये सपा नेताओं के घरों पर छापेमारी की जा रही है। तमाम अखिलेश के करीबी बताए जा रहे हैं जिनके घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है, और आज भी कई नेताओं के घर पर आयकर विभाग की टीम पहुंची छापेमारी के लिए। बस्ती जिले के हरैया तहसील के पुरैना खास गांव जनपद स्तरीय मशरूम कृषक गोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मंडलायुक्त गोविंद राजू एस एन ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के लिए जिले भर के प्रगतिशील किसान और आसपास के किसान शामिल हुए, जहां सभी किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मशरूम की खेती करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को प्रशिक्षण दिया। आपको बता दें कि हरैया तहसील का हसीनाबाद और आसपास का इलाका मशरूम उत्पादन के लिए बन चुका है, हब बन गया है। साथ ही मशरूम की खेती यहां के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि मशरूम की खेती से किसानों को अच्छी आय हो रही है। मशरूम को बस्सी और अयोध्या की मंडियों में बेचा जाता है और अब व्यापारी अपनी गाड़ी से यहां पहुंचते हैं और मशरूम को प्लांट से खरीद कर ले जाते हैं, जिससे यहां के किसानों को एक अच्छा लाभ मिल रहा है। नागपुर गांव जो हरैया तहसील में है, मैंने कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ये मशरूम खेती के गोष्ठी ऑर्गेनाइज किए थे। मैं इसको यहाँ पे करीब 160 किसान इस खेती का यहाँ पे निरंतर कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनका प्रयास है, हमें यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि ये अपने तरीके से किसान कर रहे हैं। सर, ये एक प्रकार का हम लोग जो गेहूँ का पौधा बोते हैं, उससे जो भूसा बनता है उसी के माध्यम से जो भूसा होता है उसी को कंपोस्ट पर तैयार किया जाता है, और ये बीज जो होता है ये हरियाणा से हम लोग को पर्याप्त होता है, उसी बीज के बीज को डालकर ही हम लोग तैयार करते हैं इसको। कितना वर्षों से आप मशरूम की खेती कर रहे हैं? तीन साल से। कितना फायदा हो रहा है, लागत कितनी लग रही है? लागत सर, जिस तरह से हम लोग छप्पर लगाते हैं, छप्पर भी 1.5 लाख लगता है, मौके पर 8 छप्पर हमारे पास है। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में 25,000 के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इस मुठभेड़ में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया है, और इस दौरान पुलिस ने बदमाश से तमंचा कारतूस समेत बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। तो बस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। साथ ही आपको बता दें, इस मुठभेड़ में 25,000 के इनाम के बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें, मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कुशीनगर में बंद लक्ष्मीगंज चीनी मिल चलाने की मांग को लेकर आंदोलन स्तर पर पहुंचे देश के रिटायर फौजियों ने अब सरकार को आंदोलन की चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि कुशीनगर जिले की लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए 22 नवंबर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, और अब इस चीनी मिल ना खोलने पर सभी फौजियों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला है जहां पर चीनी मिल चलवाने की मांग की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमारी पूरी टीम थी, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, हम किसी फैक्ट्री मालिक के बेटे नहीं। अगर हमारे पिताओं के साथ, हमारे भाइयों के साथ कोई अन्याय होगा तो भला हम कैसे चुप रह सकते हैं। ये किसानों का आंदोलन है, चीनी मिल का आंदोलन है, क्योंकि यहाँ के जो बेचारे किसान हैं, इनको कितनी कितनी दूर वहाँ दूर दूर जा करके अपना गन्ना जो है
बेचना पड़ता है, लेकिन यहाँ इनके पास होते हुए चीनी मिल इसको सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं, या तो इसको आप सुचारू रूप से चालू करिए, सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। चित्रकूट में महंत कल्याण दास के निधन मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि महंत कल्याण दास के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें चार लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। वहीं कमरे से 8 लाख रुपए, 1.5 किलो चांदी के मुकुट भी बरामद किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, महंतों की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन ने महंत कल्याण दास के कमरे को खुलवाया, जहाँ से सुसाइड नोट को बरामद किया है। तो चित्रकूट का यह पूरा मामला है, जहाँ पर आपको बता दें महंत कल्याण दास निधन मामले में अब ये नया मोड़ आ गया है। दरअसल महंत के अब कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। चित्रकूट में भारतीय किसान यूनियन इकाई के बैनर तले जिलाध्यक्ष राम सिंह रही के नेतृत्व में 4 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे किसानों के पास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान पहुंचे और अनशन को समाप्त करवाया। वहीं इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि धान बिक्री करना हमारा अधिकार है, और अगर तत्काल खरीद की व्यवस्था ना की जाए तो पूरे जनपद चित्रकूट का धान DM कार्यालय में तोला जाएगा। हमीरपुर में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा ग्रामीणों ने अब बुलंद कर दिया है। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील परिसर पहुंचकर दर्जनों ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा, साथ ही इस दौरान जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की जर्जर सड़क न बनने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी, साथ ही सड़कों को लेकर स्थानीय नेताओं पर इसकी अनदेखी का आरोप भी लगाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं हमीरपुर की, जहां पर रोड नहीं तो वोट नहीं का ग्रामीणों की तरफ से नारा दिया गया है। दरअसल रोड ना बनने से नाराज ग्रामीण यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मैं क्या कहूं?